ऐसी बारी वो खेलेगा तो क्या प्लेयर लगेगा। एक और प्लेयर जैसे के राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रहाणे, ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये प्लेयर उस लाइन में आएगा जब खेलेगा। IPL मैच नंबर 3, जैसे KKR का और सनराइज हैदराबाद का हुआ, टॉस जीता सनराइज हैदराबाद ने। KKR ने अच्छा स्टार्ट किया, 53 रन की पार्टनरशिप हुई ओपनिंग, और जैसे सुमन गिल ने पावर प्ले में अच्छा खेला, इतनी स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन नितेश राणा ने जैसे बैटिंग की है 80 रन बनाए हैं, जबरदस्त इनिंग्स खेली है और 9 चौके और 4 छक्के लगाए हैं उसने, जिसकी वजह से वो 80 रन खुद के भी बनाए उसने और कॉन्फिडेंस भी आया और एक बड़ा टोटल भी सेटल करके दिया। उसके बाद देखे राहुल ने जैसे बैटिंग की है, 53 रन की हैं 29 बॉलों पे, 5 चौके 3 छक्के लगाए हैं। ये बैटिंग परफॉर्मेंस है टॉप 3 बैट्समैनों की। सुमन गिल अनलकी रहा, आउट हो गया 15 रन पे, जैसे उसने 2 शॉट्स खेले हैं, जैसे नटराजन का पहला बॉल उसने स्ट्रेट लिफ्ट किया है छक्का, मेरे ख्याल से क्या प्लेयर है, क्या बैट्समैन है, लेकिन ये है कि ये प्लेयर ऐसा है जितना लंबा खेलेगा KKR के लिए उतना अच्छा रहेगा और पावर प्ले बड़ा अच्छा यूटिलाइज करेगा। लेकिन नितेश राणा ने जैसे बैटिंग की है, 80 रन बनाए, ज़बरदस्त पॉजिटिव बैटिंग की है, और राहुल के साथ जैसे पार्टनरशिप लगाई है, ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, 146 पे दूसरी विकेट गिरी है, जिसकी वजह से आप देखें कि 187 रन बने हैं। 187 रन दिनेश कार्तिक की बैटिंग की वजह से बने, जो नीचे से आके उसने बैटिंग ऑर्डर बड़ा नीचे था, 5वें पे मॉर्गन आया, रसल ऊपर आया, रसल की वो बैटिंग नहीं चली जैसे वो KKR के लिए बैटिंग करता है, लेकिन ये है कि एक अच्छा स्टार्ट हुआ KKR के लिए, मैच जीते हैं, पहला मैच ओपनिंग मैच जीतना बड़ा ज़रूरी होता है मोमेंटम बनाना, और उसके बाद देखें कि 22 रन बनाए हैं दिनेश कार्तिक ने, ज़बरदस्त बैट्समैन रहा, कप्तान भी रहा है KKR के लिए, और परफॉर्मेंस बहुत बड़ी देता रहा है IPL में। लास्ट ईयर इतना अच्छा IPL नहीं गया, जिसकी वजह से कैप्टनसी छोड़नी पड़ी और अपनी बैटिंग और कीपिंग की तरफ फोकस करना पड़ा, और आज देखें कि तीसरे मैच जैसे ही पहला मैच आया तो उसने ज़बरदस्त बैटिंग की है, 22 रन बनाए हैं और ज़बरदस्त पावर हिटिंग की है, और जिसकी वजह से स्कोर बड़ा टोटल और फाइटिंग टोटल लगाया। उसके बाद जब बॉलिंग आई है, भुवनेश्वर कुमार ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ, लेकिन पहले मैच में जैसे खेला नितेश राणा और जैसे बैटिंग की है दिनेश कार्तिक ने, लास्ट के ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त बैटिंग की, 45 रन हुए हैं ओपनिंग मैच में, 1 विकेट ली है, और संदीप 35 रन दिए हैं 3 ओवरों में, और उसके बाद देखें नबी ने अच्छी बॉलिंग की है, जैसे दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और वार्नर ने बड़ी समझदारी की है और दोनों को आउट किया, और फिर क्या नाम है स्कोर भी नहीं होने दिया, और बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की है नबी ने, 4 ओवर्स 32 रन और 2 विकेटें ली है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। उसके बाद राशिद खान ऑलवेज सनराइज हैदराबाद के लिए विकेट टेकिंग बॉलर है, आउट भी करके देता है, रन भी करके देता है, लेकिन क्या बॉलिंग की है, पहले 2 से 3 ओवर आउट करके दिए, सुमन गिल को जैसे आउट किया उसने, बॉल किया ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 24 रन दिए, और उसके बाद विजय शंकर ने एक ओवर किया 14 रन, फिर चेस करने आए, जब चेस इतना बड़ा टोटल हो तो मेरे ख्याल से अपना मेन बैट्समैन जैसे जोनी बेस्ट्रो की बात कर रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त उसकी बैटिंग है, क्या फॉर्म में है, मेरे ख्याल से उसका ओपन बनता, सनराइज हैदराबाद के लिए ओपन ही करता रहा, लेकिन इस मैच में नंबर 4 आया, और नंबर 4 आने पे भी उसने 55 रन बनाए हैं लेकिन 40 बॉलों पे किए हैं, अगर ओपन पे करता जैसा वो बैट्समैन ना तो डेफिनेटली जिसने मैच सनराइज हैदराबाद के लिए अगर ये फॉर्म ओपनिंग में करता हो वार्नर के साथ तो फ़र्क नज़र आना था और पॉजिटिव रहता है, और क्या पावर हिटिंग करता है। उसके साथ महेश पांड्या ने जैसे बैटिंग की है, 61 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहा है, ये देखे खासियत के पहले ओवर में बारी आई है, फिर नॉट आउट रहा और मैच फिनिश नहीं कर सका, और 10 स्कोर से मैच हार गए हैं सनराइज हैदराबाद, और जैसे बैटिंग हुई है वार्नर जल्दी आउट हो गया था, और पांड्या ने जैसे 61 रन बनाए हैं, बेस्टो ने 55 रन बनाए हैं, नबी 14 रन बना के आउट हुआ, विजय शंकर 11, फिर अब्दुल्ला आप देखें कि जैसे उसने पावर हिटिंग दिखाई है, टू लेट था, लेकिन यह है कि 19 रन बनाए हैं उसने,
जबरदस्त बैटिंग दिखाई है, 19 रन बनाए। अगर शुरू में विकेटें ना गिरती तो शायद हैदराबाद के लिए ये टारगेट इजी होता। बॉलिंग में क्रेडिट देना चाहिए हरभजन सिंह, काफ़ी अरसे के बाद आईपीएल में हिस्सा लिया और केकेआर की तरफ से मेरे ख्याल से पहला ओवर किया और फर्स्ट एडिशन भी है और एक ओवर ही किया, 8 रन दिए। उसके बाद देखे कि कृष्णा ने जैसे 2 विकेटें ली हैं 35 रन दे के, और साकिब उल हसन बैन के बाद वापस आया और 35 रन दे के एक विकेट ली है, 34 रन दे के एक विकेट ली है। और उसके साथ पैट कमिंस ने एक्सपीरियंस महंगा तरीन बॉलर और नया बॉल नहीं किया, ऐसा बॉलर नया बॉल नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ कप्तान के जेन में चल रहा होगा कि इसको कहाँ यूज़ करना, और वही किया उसने, यूज़ बड़ा ज़बरदस्त किया, एक विकेट ली है, 30 रन दिए हैं। और रसल ने एक विकेट ली है 32 रन दे के 3 ओवरों में। ये बॉलिंग की परफॉर्मेंस है जिन्होंने 187 रन डिफेंड किए हैं और 5 आउट हुए हैं, 5 विकेटें भी नहीं, पूरी विकेटें भी नहीं गिरी, और 5 विकेटों पर सनराइज हैदराबाद मैच हार गई। उनमें से जो मेन बैट्समैन था मनीष पांड्या, जैसे उसने नॉट आउट किए 61 रन, मेरे ख्याल से मैच जितवा के बाहर जाना चाहिए। जब आप पूरे ओवर्स खेल जाओ फिर 61 पूरे ओवर्स खेल के आप नॉट आउट रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत लेट हुआ, पावर हिटिंग वो दिखा नहीं सका, एक मैच फिनिश करना चाहिए था महेश पांड्या को, जैसे जैसा वो बैट्समैन है, जैसी उसकी रेपुटेशन है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए केकेआर के बॉलरों को, जैसे उन्होंने बॉलिंग की और डिफेंड किया। अब बात करते हैं पंजाब किंग की और राजस्थान रॉयल की। मैच उतना ही ज़बरदस्त हुआ, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है दोनों इनिंग्सों में, राजस्थान रॉयल की तरफ से और पंजाब किंग की तरफ से जैसे बैटिंग हुई है के राहुल की, और जैसे राजस्थान रॉयल ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया और बैटिंग उतनी ज़बरदस्त की है पंजाब किंग ने, स्पेशली कप्तान जैसे के आर राहुल ने जैसे अपनी फॉर्म दिखाई है, क्लास दिखाई है, क्या बैटिंग उसने दिखाई, मैच्योरिटी के साथ क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज़्यादा रहा, टाइम भी स्पेंड किया और पावर रेटिंग भी जब जरूरत पड़ी करके दिखाई। 91 रन पे आउट हुआ 50 बॉलों पे और 7 चौके और 5 छक्के लगाए हैं, जिसकी वजह से 91 रन भी हुए हैं और मैच विनिंग नॉक भी। अनफॉर्चुनेटली मैन ऑफ द मैच नहीं हो सका, लेकिन संजू सैमसन का 100 है 119 रन, लेकिन उसको मिला है। लेकिन यह है कि मेरी नज़र में टीम जीतने वाले को 90 प्लस रन हो, चाहे दूसरी टीम ने 100 किया हो 150 भी किया हो, मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच जिसने 91 रन किए हों मैच जीते हों उसको मिलना चाहिए। खैर अब मैनेजमेंट के फैसले हैं जिन्होंने मैन ऑफ द मैच देना होता है। लेकिन बैटिंग जैसे दीपक ने बैटिंग की है, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, पॉजिटिव माइंड के साथ पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगाई है। उससे पहले क्रिस गेल ने के राहुल के साथ जैसे 40 रन बनाए हैं, ऑल टाइम ग्रेट T20 प्लेयर, ओवर 10,000 रन, और हमेशा मैंने देखा 2 साल से जैसे पंजाब किंग की तरफ से परफॉर्मेंस कर रहा, बैटिंग करके दे रहा, बैटिंग ऑर्डर अपना थोड़ा चेंज किया, लास्ट ईयर नंबर 3 खेलना शुरू हुआ तो उसके साथ भी परफॉर्मेंस दे रहा, तो ये क्लास है इसकी बैटिंग की क्रिस गेल की। और दीपक ने जैसे 64 रन बनाए हैं, जैसे पावर हिटिंग दिखाई है, जैसे मैच्योरिटी दिखाई है, ये ज़बरदस्त साइन है पंजाब किंग की तरफ से। और सबसे बड़ा साइन ये है कि इस वक्त आईपीएल में जितने मैचेस हुए हैं, ये चौथा मैच मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, कि लोकल प्लेयरों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ये बड़ी मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, जैसे लोकल प्लेयर बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं, तो ये खासियत है आईपीएल में। उसके बाद देखें कि 64 रन तो बनाए दीपक ने, जिसकी वजह से टोटल बड़ा बहुत बड़ा लगा, लेकिन चेज भी होने लगा था, 221 रन आईपीएल इस साल का हाईएस्ट स्कोर है और बड़ा स्कोर है, और डिफेंड भी इतना इजी नहीं था करना। और सक्रिया ने जैसे बॉलिंग की है 31 रन दे के 3 विकेटें, क्या बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मुस्तफ़ी रहीम जैसे 45 रन बनाए हैं, एक्सपेंसिव रहा। उसके बाद क्रिस मॉरिस एक्सपेंसिव प्लेयर और उसने 2 विकेटें ली हैं 41 रन दे के, इकॉनमी ज़्यादा, लेकिन यह है कि 2 विकेटें ली हैं और मैच भी क्रिस मॉरिस को जितवाना चाहिए, बाद में बात करेंगे। और अब उसके बाद जैसे चेज करने आए हैं, वो आप देखें कि अच्छा स्टार्ट नहीं था, ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिला। उसके बाद अकेला संजू सैमसन जैसे उसने बैटिंग की है और लगा हुआ था अकेला कि मैं टीम को जितवा के ले जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 बॉलों पे 5 स्कोर नहीं हो सके, लास्ट ओवर में 13 रन नहीं हो सके, ज़बरदस्त बैटिंग की, उसमें एक छक्का भी लग गया, लेकिन मैच राजस्थान के हाथ में नहीं आया, क्लोज रहा और 4 स्कोर से मैच पंजाब किंग जीती है। और 119 रन, कमाल की बैटिंग, ये प्लेयर ऐसा है
मैं बोलूंगा वेरी अनफॉर्चुनेट बोलूंगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आके बड़े रन नहीं कर रहा, बड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा। वजह ये भी है कि दो मैचेस तीन मैचेस के बाद ड्रॉप हो जाना, ऐसे प्लेयर्स को अगर चार पांच छह मैच देंगे उसके बाद पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे ये परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी इनिंग्स या ऐसी बारी जितनी हम देखते हैं आईपीएल में, तीसरा शो उसने किया, ऐसी बारी वो खेलेगा तो क्या प्लेयर लगेगा? एक और प्लेयर जैसे के राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रहाणे, ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये प्लेयर उस लाइन में आएगा जब खेलेगा। तो ये लेट्स सी कि इन फ्यूचर कितना लंबा खेलते हैं। उसके बाद देखिए बटलर ने जैसे 25 रन्स बनाए हैं, फिर 21-25 ये राहुल ने जैसे 2 रन्स बनाए हैं, तो पार्टनरशिप नहीं लग सकी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैच जीतने की तरफ नहीं गए, सिर्फ क्लोज आ गए हैं, 4 स्कोर से मैच आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि राजस्थान रॉयल को नुकसान भी हुआ और पार्टनरशिप लगानी बड़ी ज़रूरी थी। जैसे क्रिस मॉरिस ने, ऐसा ऑलराउंडर है, महंगा तरीन है, 4 बॉल डॉट होने के बजाय 4 सिंगल हो जाती तो शायद ईजी हो जाता है। प्लेयर्स को तैयार होकर आना चाहिए, जब 7वें-8वें नंबर पे आना उसने तो उसके पास टाइम नहीं होता स्ट्रेच करने का, बैट घुमाने का, बाहर से इतना लूज करके आए अपने आप को कि जाते साथ ही पहली बॉल पे वो सिंगल डबल कर सके, तो ये खासियत रही है। उसके बाद देखिए बॉलिंग में ज़बरदस्त डिफेंड किया पंजाब किंग की बॉलिंग ने, और बॉलिंग ने हर्षदीप सिंह ने जैसे 3 विकेटें ली हैं और लास्ट ओवर जैसे किया, लास्ट ओवर में 13 रन रहते थे, होने नहीं दिए और 4 स्कोर से पंजाब किंग मैच जीत गई। 2 बॉलों पे 5 स्कोर था और मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आया और 33 रन दिए, 2 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त रिदम लगा और अच्छी बॉलिंग भी की है। नया बॉल करना और फिर आउट करके देना बड़ा ज़रूरी होता है इतने बड़े टोटल पे, तो जो वो मोहम्मद शामी कामयाब हुआ। उसके बाद रॉयल ने जैसे 49 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है, और ऐशवन जैसे 43 रन और एक्सपेंसिव रहा, विकेट कोई नहीं ले सका। और हर्षदीप सिंह जैसे उसने बॉलिंग की है मेच्योरिटी के साथ, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जिसकी वजह से पंजाब किंग के खाते में जीत आई है और ज़बरदस्त जीत आई है, और अनबिलीवेबल बॉलिंग की है उसने लास्ट ओवर। और जब 100 पे खेल रहा हो संजू सैमसन जैसे मैंने बताया कि 100 पे खेल रहा हो और वो 13 रन डिफेंड करना और यंग बॉलर्स के लिए, और ये पाजी ने वही करके दिखाया, सिंह ने जैसे बॉलिंग की है और अपने प्लान से हटा नहीं है, ये खासियत रही है, ये मेच्योरिटी रही है। सिंह ने जैसे बॉलिंग की है, प्रेशर नहीं लगा, अपने प्लान पे रहा, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। बैक पूरी थी पूरी टीम की तरफ से, सबसे बड़ी सपोर्ट थी कप्तान, जैसे उसको कह रहा था वैसे ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा था और बॉलिंग भी वैसे की, जिसकी वजह से पंजाब किंग ये मैच जीते हैं। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस पे आप लोगों के साथ दोबारा आएंगे।